न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। लोकतंत्र के लिहाज से आज बहुत बड़ा दिन, क्योंकि चार राज्यों के आज मतगणना यानी कि काउंटिंग सुबह से जारी है। ऐसे में बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल पूरी तरह से सही साबित हुए हैं, और हमने भी कहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से वापसी करने वाली है, और कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत, राजस्थान में भी कहीं ना कहीं बीजेपी बहुमत से आगे रुझानों में नजर आ रही है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी धीरे धीरे करके आगे वाले पायदान पर पहुंच रही है, लेकिन बस एक तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस सीधे तौर पर क्लीन स्वीप कर रही है। जी, तेलंगाना को अगर आप देखें तो वहां पर 9 सीटों पर बीजेपी अभी आगे है, पर मैं एक बार फिर कहूं काजुल, 9 सीटों पर आगे मतलब प्लस 8 है उनके पास। वहां पर भी एक तरह से बीजेपी ने अपनी छवि बिल्कुल क्लियर करी है, सामने दिखाया है कि हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। और मैं एक बार फिर कहूं, 2024 का आगाज हो चुका है, अगर आप चार राज्यों में से तीन में जीत रहे हैं तो बोलते हैं ना, मध्य प्रदेश में जादूगर का जादू नहीं चला पर जगत जादू का चल गया है। बिल्कुल, जादूगर का जादू चल गया है। आज भी मोदी जादू पर लड़ा गया था, देखा गया है कि मोदी जादू आज भी बरकरार है। और जहां आप मध्य प्रदेश में अभी हम 150 मैं अगर बोले कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 सीटों पर आगे है, तो एक तरह से सरकार पूरी तरह से बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अगर राजस्थान में देखें तो 106 और कांग्रेस 72 सीटों पर, तो राजस्थान में भी कहीं ना कहीं आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी वालों को मैं बधाई दे दूं, रुझानों पे बधाई दे दूं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊं कि जैसे अब मेन जो देखना होगा ना, अब ये देखना होगा कि वसुंधरा राजे के खेमे के कितने विधायक जीत रहे हैं, और इसी तरह से जहां गद्दार का वो लगा था कि हम कांग्रेस ने कहा था कि हमारे बीच में अब गद्दार नहीं, हम जीतेंगे, तो गद्दार कहीं ना कहीं सिंधिया जी के लिए कहा गया था। अब ये भी देखना होगा कि सिंधिया जी ने जितने लोगों के लिए शपथ दी थी उन विधायकों का क्या हाल है। बिल्कुल, उन विधायकों का क्या हाल है, तो अब क्योंकि दोनों ही जगह खेला हो सकता है। अगर राजस्थान में वसुंधरा नाराज रहती है बीजेपी से, तो अपने विधायकों को कहीं ना कहीं वो तोड़ने की कोशिश करेंगी, हटाने की कोशिश करेंगी, तो वही मध्य प्रदेश में सिंधिया भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। हालांकि सिंधिया को लेकर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरह से नाराज चल रही थी और बीजेपी ने जिस तरह से साइडलाइंस किया था, उससे कहीं ना कहीं लग सकता है कि वसुंधरा राजे कुछ ना कुछ खेल जरूर कर सकती है अगर बीजेपी बहुमत पर रहती है तो भी। देखिए, वसुंधरा राजे खेल कर सकती हैं, वैसे तो मैं आपको फिर कहूं कि खेल नहीं, उनका माना जाता है ऐसा कि वसुंधरा राजे एक साल गहलोत और एक साल मतलब एक टर्म वो और एक टर्म वसुंधरा राजे, रिवाज कायम रखा है बिल्कुल राजस्थान तो में। ये कहीं ना कहीं पे हो सकता है, पर फिर भी एक डर उनके अंदर भी होगा कि अगर ऐसा कुछ किया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है उनके फ्यूचर के लिए। पर मैं फिर भी बोलूंगा बीजेपी वाले फिर भी एक बारी को क्लियर हैं मैनेज करने में बहुत। लेकिन यहाँ हरीश जी, एग्जिट पोल्स की मैं बात करूं तो एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं राजस्थान में कांटे की टक्कर तो दिखाई थी, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त नजर आ रही थी। मध्य प्रदेश में तो चलो बताया गया था कि हाँ, मध्य प्रदेश में बीजेपी कमबैक कर रही है, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर भूपेश बघेल, लेकिन वो असर नजर नहीं आ रहा। क्या हो सकता है कि आज सबसे बड़ी चीज बताओ क्या होगी, आज सबसे बड़ी जिसपे राहुल गांधी ने लास्ट में कहा था पनौती शब्द का इस्तेमाल कर, आज पनौती कौन साबित होगा, आज पनौती शब्द किसके लिए साबित हो। इसीलिए बोलता हूँ ना, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अगर आपने मोहब्बत की दुकान लगाई थी तो मोहब्बत की दुकान पे आपको रहना चाहिए था, आपको मोहब्बत की दुकान के अंदर आपको अगर सबके लिए मीठा मीठा वचन बोलते तो जनता आपकी तरफ जाती, पर आपके अंदर का जो बार बार एग्रेशन बाहर आ रहा था, और आपको पहले भी मोदी शब्द पे आपको कोर्ट से फटकार लग चुकी है, आपको सजा हो चुकी है, आप जमानत पे हो, फिर आपने एक और जैसे पनौती शब्द, प्रधानमंत्री पनौती शब्द आपने इस्तेमाल किया, आपके खिलाफ गया। और इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जादूगर का जादू राजस्थान में नहीं चला है, या फिर रिवाज कायम रहा है अभी भी, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस समर्थक है वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिवाज है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हाँ, जो जिस तरह से हत्या हुई कन्हैया लाल की, वो बहुत बड़ा मैटर था, और ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट साबित हो सकता है। महिलाओं पर जो अपराध बढ़ा राजस्थान में, वो एक फैक्ट साबित हो सकता है। भर्ती घोटाले जो हुए, वो एक फैक्ट साबित हो सकता है। शिक्षक भर्ती घोटाले जो हुए, वो एक फैक्ट साबित, पेपर लीक के मामले, ये कहीं ना कहीं है जो गहलोत को पीछे ले जा रहे हैं। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि जनता बहुत जागरूक है, पढ़ी लिखी है,
इन बातों पे नहीं आएगी, वो आपके रिपोर्ट कार्ड पे ही आपको वोट देगी। अगर आपका रिपोर्ट खराब है तो आप ये नहीं कह सकते, प्रमोट नहीं कर सकते, आपको रिपोर्ट कार्ड पे काम करना पड़ेगा। बीजेपी ने वो कहीं ना कहीं पे अपना काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, नौकरियों पे काम किया, सिलेंडर पे काम किया, लास्ट में 200 रुपए सिलेंडर कम किया, ये सब चीजें देखिए काम आती है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि महिलाएं बहुत बड़ी भागीदारी है, जीत का श्रेय पूरी तरीके से महिलाओं को जाता है। मैं बोला हमेशा से छुपा वोट रहा और वही महिलाओं का साइलेंट वोटर के तौर पर काम किया, काम करा। और मैं बोलता हूँ कि कई बार चर्चाएं, मैंने कल भी आपको प्रोग्राम में कहा था कि कई बार चर्चाएं ऐसी होती हैं कि जीत की किसकी किसी और की बात होती है, बस साइलेंट वोटर ऐसा काम करता है कि वो लास्ट मिनट में पलटता है। वही हुआ है बिल्कुल। अगर मैं राजस्थान में देखूं और सबसे बड़ा फर्क जो है वो छत्तीसगढ़ में सारे एग्जिट पोल फेल होते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में आप कांग्रेस की सरकार बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही थी और बिल्कुल वहां बधाइयां सुबह से शुरू हो गई थी, लड्डू भी बंट चुके थे छत्तीसगढ़ में, मैं आपको बता दूं लड्डू भी वहां बंट रहे थे। तो लेकिन जिस तरह से रुझान आगे आ रहे हैं उससे बीजेपी आगे जाती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, कांग्रेस पीछे होती जा रही है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में बिल्कुल आगे होती जा रही है। मैं बोलूं बीजेपी अभी 47 पे आगे है और कांग्रेस 42 पे, मगर मैं बोलूं कि फिर से सरकार अभी भी रुझानों में बीजेपी की बनती हुई नजर आए तीनों जगह, आपकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह आपकी बीजेपी की सरकार कांग्रेस के आंकड़े को पार कर चुकी है। तेलंगाना से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी, लेकिन वहां पर अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो एक फैक्ट हमें देखना होगा कि वहां पर कांग्रेस का सरुआ है। पहले कर्नाटक जीता, अब तेलंगाना, केसीआर जो वहां पर हमेशा से ही मुख्यमंत्री रहे, बीआरएस को पीछे छोड़ती हुई, एआईएमआईएम को बहुत बड़ा झटका हम कह सकते हैं। चलिए बीजेपी ने बहुत बड़ा झटका दिया है क्योंकि वहां कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी सोच रहे थे कि वहां से वो सीटें निकाल लेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको अब कई पहले से प्रोग्राम में बोलता है दिसंबर तक आने दो, दिसंबर तक बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। आपको साफ साफ नजर आएगा कि कैसे लोगों का रुझान बदलेगा, ये एग्जिट पोल बदलेंगे, ओपिनियन पोल बदला, सब बदल गए। मैं तो छत्तीसगढ़ की तरफ मैं फिर भी बोलूं, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा फेरबदल, छत्तीसगढ़ में किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से बीजेपी अभी 2 या 3 राउंड पूरे हुए हैं जिसमें 47 पे है, 47 चाहिए, 46 चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अपनी ही सीट से पार्टन से पीछे चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये बड़ा आश्चर्यजनक वाली बात होगी। आश्चर्य वाली बात है कि भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं जबकि उनकी लोकप्रियता काफी है, 46% लोग उनको पसंद करते हैं वहां पर, एज अ चीफ मिनिस्टर उनको पसंद करते हैं, पर वो फिर भी आज बीजेपी को बहुत, आज उनके लड्डू भी बड़े होने वाले हैं बीजेपी के, बीजेपी का लड्डू जो है वो बड़ा वाला लड्डू मिलने वाला है। मतलब बीजेपी राजस्थान में 110 और मध्य प्रदेश में 155 पर, 55 पर आगे मिनट दर मिनट बदल रहे हैं आंकड़े। तो अभी रुझान है, थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा, लेकिन आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी अपडेट लगातार देते रहेंगे। जी।